उसे कहते हैं कि दशरथ के तथाकथित पुत्र हैं, असली पुत्र वो श्रृंगेरी ऋषि निषाद के। क्या इनकी माँ दाई थी क्या? जब राम पैदा हुए तो इनकी माँ दाई थी क्या वहाँ पर? नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। यही होता है चुनाव का टाइम जब करीब हो तो भैया जोश जोश में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन भी बड़ा तगड़ा आता है। अब देख लीजिए, बीजेपी के सहयोगी पार्टी है निषाद पार्टी, लेकिन अध्यक्ष के भगवान राम पर दिए इस बयान पर बीजेपी ही पहले लपेट रही है। पहले सुनिए संजय निषाद का वो ज्ञान। इतिहास से प्रेरणा मिलती, प्रेरणा से जागृति होती, जागृति से सोच विकसित होती, सोच से संगठन बनता, उसमें शक्ति होती, सत्ता में परिवर्तन होता। उस समय सत्ता में धोखेबाजी से परिवर्तन हुआ था। आपने राम और निषाद राज का जो जन्म है वो मखौड़ा घाट पर नियोग पुत्रेष्ट कामी जग में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना, तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के वो तथाकथित पुत्र हैं, असली पुत्र वो श्रृंगेरी ऋषि निषाद के। अब सुनिए भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने उन्हें कैसे लपेटा। क्या इनकी माँ दाई थी क्या? जब राम पैदा हुए तो इनकी माँ दाई थी क्या वहाँ पर? तो सुना आपने, ये तो सीधे माँ पर चले गए। खैर, इस बयान पर विवाद उठता देख संजय निषाद ने पूरे मामले में सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि मैंने प्रयागराज में मीडिया कर्मियों से प्रभु राम के गुण और उनकी महानता बताई थी, निषाद समाज कैसे उनसे जुड़ा है ये बताया था, लेकिन कुछ भाई इस बात को लेकर तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। मैं साफ करना चाहता हूं कि प्रभु श्री राम हमारे पूज्य हैं, हमेशा रहेंगे। अगर फिर भी किसी को मेरे कहे हुए पे आपत्ति है तो प्रभु राम से माफ़ी मांगता हूं और कहता हूं कि सभी को सद्बुद्धि दें। चलिए अच्छा है, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। भैया, आपको अगर ज़मीन पर किसी चीज़ की सच्चाई जाननी है तो अब इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिलेगा। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि कोरोना काल में आशा बहनों ने ग्राउंड जीरो पर बहुत सराहनीय काम किया, मेहनत की, इसीलिए आंगनबाड़ी आशा बहनों को स्मार्टफोन से लैस किया जाना जरूरी है, उनके बारे में भी सोचना बेहद जरूरी है। लेकिन आप जानना चाहेंगे कि आशा बहनों या बहुओं के बारे में कैसे सोचा जा रहा है, तो देखिए सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों को। यूपी कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए लिखा कि शाहजहांपुर में आशा बहुओं को मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया गया। आशा बहू कई दिनों से धरना दे रही हैं। क्या मुख्यमंत्री जी उनकी समस्या नहीं सुनना चाहते हैं? किसके इशारे पर उन्हें गिरफ्तार किया गया? ये कैसा मुख्यमंत्री है जो किसी की समस्या को सुनना ही नहीं चाहता? इतना डर क्यों है भाई? तो वहीं अजय कुमार लल्लू लिखते दिखे कि भैया सत्ता में बैठे लोग घमंड में चूर हैं, उन्हें ये समझना होगा कि ये अस्थाई है, उनके जाने का समय आ गया है, यही आशा बहुएं बदलेंगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। का भैया, ब्राह्मण और बनिया भाजपा की जेब में है? मेरे जेब में ब्राह्मण है और मेरे जेब में बनिया है। आप कहते रहे कि एक सेकंड भाई साहब सुनो ना। अरे भाई साहब सुनिए ना, पूरा प्रश्न पूछा और मेरे को सुनना ही नहीं चाहते। नहीं नहीं, एक सुनो। अरे भाई, मेरा वोट बैंक में और मेरे कार्यकर्ताओं में, मेरे नेताओं में, जब आप ब्राह्मण रहा तो ब्राह्मण पार्टी कहा और बनिया है तो बनिया पार्टी कहा। दरअसल यूपी कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो साझा किया जिसमें बीजेपी के मध्य प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का एक विवादित बयान है। मीडिया के सवालों का जवाब देने के दौरान मुरलीधर राव ने कहा कि मेरी एक जेब में बनिया है, दूसरे जेब में ब्राह्मण है। अब इसको लेकर कांग्रेस इतनी एक्टिव हुई कि इसे यूपी में तेजी से शेयर किया गया।
यूपी कांग्रेस ने लिखा कि भाजपाइयों के अंदर इतना अहंकार कहां से आता है, तो वहीं उनके नेता लोग भी लिखते दिखे कि भैया जनता को जेब में नहीं सर माथे पर उठाना चाहिए, राजनीतिक व्यापारी महाशय, यही अहंकार आपका नाश करेगा। और तो और कोई ये लिखता दिखा कि इनकी ठेकेदारी प्रथा जल्द ही समाप्त होने वाली है। हालांकि आपको बता दें कि हंगामा होने के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रभारी मुरलीधर राव ने ब्राह्मण और बनिया पर दिए गए अपने बयान पर स्पष्टीकरण भी जारी किया। उन्होंने कहा कि हम सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, हमने ना कभी किसी से भेदभाव किया है और ना ही हम कभी किसी से भेदभाव करेंगे। और तो और कांग्रेस हमेशा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। खैर, यूपी कनेक्शन समझ नहीं आया, लेकिन यूपी कांग्रेस इसे वायरल कर रही है। बहरहाल तमाम ऐसी ही वायरल खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ये शो, और यूपी से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए पढ़ते रहिए यूपी तक की वेबसाइट, क्योंकि चुनाव नजदीक है, मामला गर्म है। नमस्ते।